हेलो एवरीवन, टेकजेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सब्जेक्ट है BSOC 134 मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी। ये दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर है। इस वीडियो में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों क्वेश्चन पेपर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम पैटर्न और कितने लेंथी क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, कितना टाइम मिलेगा, ये सब बातें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। अगर आपको इग्नू के सोल्ड असाइनमेंट्स की वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, आप जाके वीडियो देख सकते हैं और अपने असाइनमेंट्स लिख सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें टोटल टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 100, नोट आंसर 95 क्वेश्चन इन अबाउट 400 वर्ड्स ईच, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। 400 वर्ड्स में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। 400 वर्ड्स यानी मतलब सिंगल साइडेड कम से कम 4 पेज आपको भरने हैं, तभी आपको 20 नंबर मिल पाएंगे। सारे क्वेश्चन 20-20 नंबर के हैं, कोई 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। प्रश्न नंबर 1 है, डिस्कस द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। ये क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा और इसमें डिफरेंस भी पूछ सकता है और इसे इसके एलिमेंट्स भी पूछ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लें, ये आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल थ्योरी एंड सोशल रिसर्च। ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन है। सोशल रिसर्च के ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको आप थोड़ा देख लें। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन मैक्स वेबर्स व्यू ऑन ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च। ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी सोशल रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड हो जाता है। राइट ए नोट ऑन दर्किम्स यूजेज ऑफ कंपेरेटिव मेथड इन सोशियोलॉजी। ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द वेरियस फीचर्स ऑफ स्टैंड पॉइंट थ्योरी। 20 नंबर का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन एम्पेरिकल रिसर्च। ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ विजुअल मेथड्स इन सोशल रिसर्च। ये भी सोशल रिसर्च वाले यूनिट से क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द फीचर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री मेथड। विजुअल मेथड और डॉक्यूमेंट्री मेथड, ये 2 मेथड्स हैं, इनमें से या तो डिफरेंस भी पूछ सकता है या फिर इनसे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इन दोनों को भी आप एक बार मार्क कर लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद ये हिंदी मीडियम का क्वेश्चन पेपर शुरू होता है। BSOC 134 समाज शास्त्रीय जाँच की विधियाँ, दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ समय 3 घंटे, अधिकतम अंक 100, नोट के नहीं 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग 400 शब्दों में दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। ये भी सेम है, 400 शब्दों में आपको आंसर देना है, तो आप कम से कम 1 साइडेड 4 पेज आपको भरने पड़ेंगे, तभी आपको 20 नंबर मिल पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप 4.5-5 पेज तक भर सकते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, गुणात्मक शोध का अर्थ एवं विशेषताओं की चर्चा कीजिए। 20 नंबर का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक सिद्धांत और सामाजिक शोध के बीच के संबंध की व्याख्या कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कर सकते हैं आप। इसके बाद 3 और 4 हैं, ये मैक्स वेबर और दर्किम्स के द्वारा जो इनके विचार थे, सामाजिक शोध में समाहित वास्तुनिष्ठा पर मैक्स वेबर के विचारों की व्याख्या और समाजशास्त्र में दर्किम द्वारा दी रचित तुलनात्मक विधि की उपयोगिता पर टिप्पणी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इनके इनमें से एक क्वेश्चन अवश्य आएगा, दर्किम और ये वेबर के विचारों में से एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, स्टैंड पॉइंट सिद्धांत की विविध विशेषताओं की चर्चा कीजिए। 20 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, अनुभव जन शोध में प्रयुक्त विविध साधनों की चर्चा कीजिए। ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिक शोध से रिलेटेड है, सामाजिक शोध में दृश्य परक विधियों के महत्व की व्याख्या कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रलेखी डॉक्यूमेंट्री की विधि की विशेषताएं क्या है चर्चा कीजिए। विजुअल विधि और डॉक्यूमेंट्री विधि, इनमें डिफरेंस आ सकता है या फिर इससे रिलेटेड इनमें से कोई क्वेश्चन इस बार भी रिपीट होने की संभावना है, इसलिए इन इन क्वेश्चंस को भी एक बार आप पढ़ लें, अच्छे से प्रिपरेशन कर लें, तो आपको पास होने से कोई रोक नहीं पाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इसमें टोटल 8 ही क्वेश्चन हैं और इनमें जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपको बताए हैं वो आप पढ़ सकते हैं, उन यूनिट से रिलेटेड उन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इन्हीं प्रश्नों को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, इसलिए आप एक अच्छे से तैयारी करें आने वाले एग्जाम्स के लिए। आपको ऑल द बेस्ट, वीडियो पूरा देखने का धन्यवाद। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।